हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल क्रेजी क्राफ्ट्स वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं की वीडियो। वीडियो पे आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है वो भी दबा देना, ताकि ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली है एक कॉफी मग आइडिया, जो आपकी दोस्त है, लव्ड वन है, भाई है, ब्रदर है, जो लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं उसको ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा। नॉर्मल सैशे आता है वही आप कॉफ़ी मग में दे दीजिए, थोड़ी टॉफ़ी दे दीजिए और थोड़ी डेकोरेट के बारे आप डेकोरेट करने के लिए सर्कुलर शीट में मैंने कोट्स लिख रही हूँ, आप देखते जाइए। मुझे ये लगता है कि प्यार की कुछ अलग दिन नहीं होना चाहिए। प्यार तो हर वक्त सबके लिए होता है और वैलेंटाइंस डे स्पेशली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए होते हैं, ये भी नहीं मानती हूँ। ब्रदर्स के लिए हो सकते हैं, फादर के लिए हो सकते हैं, मदर के लिए हो सकता है, दोस्त के लिए हो सकता है। तो मैं पर्टिकुलर किसी और के लिए गिफ्ट नहीं दिखा रही हूँ, मैं सबको दे सकते हैं ऐसे ही गिफ्ट दिखा रही हूँ। तो आप देखते जाइए और भर भर के प्यार करते रहिए आपके लव्ड वन को, आपके ब्रदर को, आपके भाई को, बहन को, जो आपको केयर करते हैं उन सभी को। उसके बाद मैं एक रिबन दे रही हूँ यहाँ पे थोड़ी और डेकोरेट करने के लिए, ताकि अच्छा इफेक्ट आए। और आप इसकी जगह कुछ और भी दे सकते हैं, कोई टी पसंद करे तो टी दे सकते हैं, पूरा कॉम्बो दे सकते हैं, टी मिल्क के सैशेस आता है, ब्राउन शुगर की पैकेट दे सकते हैं, वो भी एक अच्छा कॉम्बो होता है। तो या तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड गिफ्ट आइडिया, चॉकलेट। चॉकलेट तो हर किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न पेपर ये पहले ही वीडियो में दिखाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं वहीं से एक पेपर लेके मैं यहाँ पे डेकोरेट करूँगी। चॉकलेट को तो देने का कोई रीज़न नहीं होता है, तो यहाँ पर मैं नॉर्मली इसको रैप करूँगी और कुछ नहीं, बिल्कुल इस तरह से, आप देखते जाइए। और हाँ, मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और वहाँ पर भी मैं बहुत सारे लाइव अपडेट करती रहती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब भी करिए। चलिए थर्ड गिफ्ट आइडिया, ये मैं एक फ़ोटो मेमोरी गिफ्ट बॉक्स बना रही हूँ, आप देखते जाइए। इससे पहले मैं एक गिफ्ट बॉक्स आइडिया विदाउट ग्लू में दिखा चुकी हूँ, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। सेम है, यहाँ पे मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ और थोड़ी छोटी बना रही हूँ। तो चलिए अब देखते जाइए, बॉक्स तो रेडी हो गया है। अब ये डेकोरेट करने के बाद यहाँ पर मैं जो पैटर्न पेपर पहले ही बना चुकी हूँ उसमें से एक लेके मैं कवर कर रही हूँ। अब देख सकते हो जो घर में पैटर्न पेपर मैं बनाया हुआ हूँ वही मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, बाहर से मैं कुछ भी नहीं ख़रीदा। तो या कैसे लगा कमेंट करके बताना ज़रूर, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और उसके आपके फ्रेंड के फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए बिल्कुल इसी तरह से इसका लीड भी मैं पहले ही बना के रख चुकी थी। अब ये देखिए एक छोटू सा मिनी सा बॉक्स हो गया। अब उसके अंदर की बड़ी अंदर में देने के लिए मैं एक कोई भी आप नाप लेके एक लंबा स्ट्रिप काट के उसके इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ताकि एक स्क्वायर पैटर्न बन जाए, एक एक स्क्वायर। इसको मैं जिगजैग पैटर्न में फोल्ड करूँगी बिल्कुल इस तरह से, और हाँ ये हो गया। अब इसको मैं नॉर्मल ग्लू से चिपका रही हूँ। इसके अंदर आप फोटो डाल सकते हैं, आप कुछ मैसेज लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़ोटो देना प्रेफर करूँगी, क्योंकि एक फ़ोटो मेमोरी बॉक्स है, अच्छा लगता है। आपकी भाई के साथ, ब्रदर के साथ, जिसको भी आप गिफ्ट करना चाहते हैं उसके साथ आपकी कुछ मेमोरीज़ है। फैमिली को गिफ्ट करना चाहते हैं, फैमिली पिक्चर आप डाल सकते हैं। हाँ, तो रेडी हो गया हमारा। अब थोड़ी और डेकोरेशन के बारे, यहाँ पे मैं कुछ कोट्स लिख सकते हैं आप, मैं ये नॉर्मल मेमोरीज लिख रही हूँ।
उसके बाद आप मैं फ्लावर बनाना दिखाऊंगी, पेपर फ्लावर, पेपर रोज बनाना दिखाऊंगी। इसका एक डिटेल्स वीडियो मैं ऑलरेडी बना लिया हूँ, मैं अपलोड कर दूंगी इसके बाद में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं वो भी देख सकते हैं, इसके बाद ही मैं अपलोड करूँगी। आप ये प्रोसेस को अच्छे से देखते जाइए मैं कैसे बना रही हूँ। और हाँ गाइस, मेरी इस वीडियो को जल्दी से 100 लाइक कर दीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बनाते रहूँ। और या और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी लाइक कर सकते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं, ये जो पहले हम काट के निकाले थे पहले वाले फ्लावर्स से, वही छोटे छोटे पार्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ताकि और भी पेटल्स दिख सके यहाँ पे। बस ऐसे ही मैं लगाते जा रही हूँ। इसी तरह से और एक में बनाया येलो कलर में। अब इन दोनों के साथ एक हार्ट भी तो बनता है, तो इसीलिए एक टूथपिक, आप टूथपिक भी यूज़ कर सकते हो। छोटे फ्लावर है तो, बड़े फ्लावर है तो यहाँ पे मैं बर्बीक्यू के जो स्क्यूअर आते हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर फोम शीट में हार्ट कट कर लिया हूँ। ये मैं नॉर्मल सेलोटेप से चिपका दिया। उसके बाद इन तीनों को एक साथ बुके बनाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सेलोफेन पेपर, नॉर्मल सेलोफेन पेपर लेके वहाँ पे मार्कर से मैं हार्ट ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे रेड मार्कर मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं नहीं कर पाई। आपके पास रेड मार्कर है तो आप रेड मार्कर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न सेलोफेन पेपर मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन तीनों को अच्छे से असेंबल करके मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी। नॉर्मल बहुत अच्छे से मैं फोल्ड नहीं कर रही हूँ, वैसे ही मैं थोड़ी बुके इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। अब देखते जाइए। अब इसके बाद यहाँ पे जो नीचे है, इससे रिबन लगाने से पहले मैं यहाँ पे पहले रबर बैंड से टाई करूँगी, ताकि खुल ना जाए। उसके बाद हम पैटर्न पोलका डॉट वाला रिबन से कवर करूँगी। यहाँ पे आप बारी है कोटेशन लिखने की, मैं नॉर्मल सी फॉर यू लिख के मैं दे लगा रही हूँ यहाँ पे डबल साइड टेप लगा के। चलिए रेडी हो गया हमारे इस गिफ्ट आइडियाज पे भी। उसके बाद ये
क्या आपको ये पहचान में आ रही है? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? हाँ वही है जो मैं विदाउट ग्लू वाला बॉक्स आइडिया दिखा हूँ, वही बॉक्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर कॉस्मेटिक्स डाल रही हूँ, आप चॉकलेट नॉर्मल चॉकलेट डाल सकते हैं, आपके आप जिसको दे रहे हो उसकी पसंद के हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हो। आप सिस्टर को दे सकते हो ऐसे गिफ्ट करके, अच्छा ऑप्शन होता है, इसका लिंक मैं दे दूँगी। उसके बाद ये है लास्ट, यहाँ पे मैं कार्ड आइडिया दिखा रही हूँ। कोई भी गिफ्ट ऑप्शन कार्ड के बिना अधूरा है मुझे ये लगता है, तो गिफ्ट करने के लिए एक कार्ड मैं यहाँ पे जो थिक का मार्ट पेपर होता है वही मैं यूज़ कर रही हूँ। अपना इसके बाद एक मैं हार्ट कलरिंग पेपर में हार्ट शेप कट कर लिया हूँ, उसके बाद अब देखते जाइए। आप ये सब जो मैं गिफ्ट दिखा रही हूँ ये आप सिंगल भी दे सकते हैं। मैं पहले भी गिफ्ट आइडियाज़ में जब शेयर किया थे मैं तब भी बोले थे कि आप कोई भी गिफ्ट सिंगल भी दे सकते हैं या फिर कॉम्बो में दे सकते हैं। इन सभी को एक साथ करके आप एक सेलोफेन पेपर में रैप करके भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन आता है। और इसके पहले मैं बहुत सारे गिफ्ट आइडियाज़ और भी शेयर कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट है मेरे पास, आप वहाँ पर जाके उसमें भी से कुछ दे सकते हैं। कार्ड आइडिया भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ तो चलिए देखते जाइए। अब है अंदर को डेकोरेशन की बारी। अंदर डेकोरेशन करने के लिए यहाँ पे मैं एक फोम शीट में हार्ट कट कर लिया, उसके बाद दोनों लंबे स्ट्रिप को कट करके एक के ऊपर एक रब करके जा रही हूँ। अब देखते जाइए बिल्कुल इस तरह से एक के ऊपर एक, ताकि एक स्प्रिंग इफेक्ट आए, थोड़ी हाइट मिले हार्ट को। अब इसको मैं अंदर में चिपकाऊंगी। मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ, आप अंदर ज़रूर कुछ लिखिएगा तभी तभी ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए थैंक यू।